सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। जवाब एक मिनट एक नहीं भी काम ही छोड़ दे काम नहीं कि तुसी तीन महीने रेस्ट करो ऐ सानू कहंदे एक रुपया भी नहीं देना कहंदे रेस्ट करो पर रेस्ट दे विच खर्चा पानी तो हरेक नूं चाहिए रोटी पानी तो खाना ही है। मैं जावां कितें ना मेरे मम्मी मेरे एक्सपायर हो गए सीगे जी पिछले साल ते मैं कल्ला कल्ला ही हाँ ते हुण मैनूं ऐ टेंशन मैं किद्दां चलाऊंगा। जिथे करोना वायरस ने पूरी दुनिया के लोगों की सेहत ते जिंदगी दे उत्ते बहुत वड्डा खतरा बनाया होया है उत्थे ही इस करोना वायरस कारण लगे लॉकडाउन ने भी हर बंदे दी जिंदगी नू बहुत ही बुरी तरीके दे नाल असर पाया है। जेकर असी गल करिए आर्थिक मंदी दी ते हर किसी नू वह झेलनी पै रही है भावें वह सरकारां ने ते भावें वह कोई एक आम बंदा है जो कि रुजगार कमाउंदा है ते खांदा है। पर इस वेले असी मौजूद हाँ जलंधर दे रैणक बाज़ार दे विच जिथे एक नवीं चीज़ सामने आई है। लोगों ने जिहड़े दुकानदार ने उन्होंने अपने वर्करस नू कढ़ना शुरू कर दिता है कि इस दे बावजूद कि सरकार ने यह अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर रखी है कि कोई भी दुकानदार कोई भी इंडस्ट्री अपने वर्करस नू नौकरी तो कढ़ नहीं सकता सगों उन्हां दी मदद करनी बहुत जरूरी है। तो इस बारे गलबात करन लई साडे नाल उह शख्स मौजूद ने उह मुंडे मौजूद ने जिन्हां नू इस चीज़ की मार झलनी पै रही है इस वेले। भाजी की नाम है तुहाडा? भाई मेरा नाम अर्जुन सिक्का जी। की काम करदे हो? मैं सर आर्टिफिशियल ज्वैलरी दे रिपेयरिंग करदा जी। ते हुण मेन मुद्दा की है होया की है अज्ज मेरे नाल होया जी अज्ज मैं अपने मालिक नूं कहा सीगा कि मेरा हिसाब कर दो उन्होंने हिसाब किया ते अज्ज मैनूं कहिंदे कि तुसीं तीन महीने लई रेस्ट करो मैं तुहाडा खर्चा नहीं झल सकदा ते मैं उन्हां नूं ए वी कहा तुसीं तीन महीने सानूं की दोगे वो कहिंदे एक रुपया भी नहीं दे सकदे आपां। ते की तुसीं उन्हां नूं ये गल पुछी कि सानूं राशन पानी दे तौर ते या किसी होर तौर दे उत्ते मदद कर सकदे हो पैसे दे अलावा? वह कहें जी आप 1% भी नहीं कर सकते मदद वह कहें आप अपना भी देखना जी आप खर्चा नहीं चक सकते ढाडा। ये तो गल हो गई जी थोड़े पक्ष तो जो अज होया कि इस चीज़ का शिकार कोई होर वर्कर या एसोसीएशन के अंडर आते होर मुंडे जड़े ने वह भी असर उन्होंने उत्ते भी पिया? हाँ जी सर मेरी दुकान तो 6 कुड़िया ने ते 5 क मुंडे ने कड़े ने अज मेरे नाल ही एक मुंडा होर कड़िया विशाल वह भी मेरे नाल ही है। असीं इन्हां नाल भी गलबात करना चाहोंगे भाजी सब तो पहली चीज़ तो यह दसो भी तुहाडी इनकम किन्नी है? सर इनकम तो देखो घर बड़ा वधिया चल रहा सारा कुछ भी हुण मैं लोन तो मकान लिया जी जिहड़ा कि देखो हुण जिहने बैंक तो लोन लिया लिहाज तो उन्होंने करना नहीं है जी किश्तां मंग रहे है ये तो गल्लां बाद दीआं है जी। पहला मसला भी रोटी पानी तो खानी है जी जे मान लो मैं 3 महीने घर भी बैठ जाता कोई ऐसी गल नहीं है चलो बैठ जाता पर उस दौरान मैनू खर्चा पानी भी या ना भी कैश दे मेरे घर आटा भी चाहिए दाल भी चाहिए है हरेक चीज़ की लोड़ है ठीक है जी। दुध खास चाह तो बिना अजकल कोई बंदा नहीं चलता जी दुध की तो लोड़ है। मैं मेरी होर कोई वड्डी मंग नहीं मैं कुछ नहीं चाहता मैं सिर्फ ये चाहना भी चलो जे उन्होंने ये जिहड़ा कदम चक्या इस करके चक्या भी क्योंकि खर्चा उन्हों का भी बहुत मुश्किल होया पाया अगे पिछे चलाने क्योंकि स्टाफ है ये नहीं है भी एक दो जना काम करता जे 15-20-25 जने स्टाफ का काम करता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ 25 ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਪਰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ
मेरा मसला यही है सिर्फ रोटी पानी जोगा ही है जी। तो दूसरी गल किश्तां असीं भी देनियां हले तक देनियां ठीक है जी। बाकी जो भी हैगा मेरी यही बयान है जी, इदां दे ही है बस, मैं यही कहना चाहना जी। बीते दिन ही इन्होंने रैनक बाज़ार एसोसीएशन ने यह भी ऐलान किया कि हर वर्कर नूं अद्धी सैलरी दी जाएगी, पूरी देन दे हक दे विच नहीं है, पूरी देन दी समर्था नहीं है इस वेले किसी की, जो कि मन्नी जा सकती है। कि ये उस चीज़ तो भी मुनकर हो गए ने सारे? हाँ जी सर, यह सानू कहिंदे एक रुपया भी नहीं देना कहिंदे। आपां एक तुहाडा खर्चा चल नहीं सकते, एक सितंबर तो तुसीं दुकान ते आ सकते हो। की किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड भी तुहाडे तों मतलब करवाया जांदा कि तुसीं कितें होर काम कर सकते हो जाके या नहीं कर सकते? इन्हां ने अपने पहले एसोसीएशन च बनाया सीगा कि 5 साल लई कित्थे नहीं लग सकते तुसीं, जिद्दां मेरी शॉप तो कोई होर ज्वैलरी दी। पर वह मालकां ने अज मैनू यह भी कहा कि तुसीं 3 महीने जिथे भी काम करना है कोई तुहानू रखदा नहीं, तो मेरे नाल गल करवा दिओ, मैं उहनू कह दांगा कि मुंडा रख लो तुसीं, सही है मुंडा। सो मतलब जेकर असी तत् ते पहुंचीए तो इस वेले ये है कि थानू 3 महीनों लिए कढ़िया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कोल इस वेले पैसे नहीं है थानू लोगों नू देने लई। ते जेकर असी गल करिए हुण किसी होर पासे गल कर काम करन दी, जे तुसी उत्थे काम करदे हो या जांदे हो तो तुसी कोई काम लभ रख्या है या नहीं? सर जी मैं तां हुण इस टाइम पूरी टेंशन विच आ जी कि मैं जावां किते ना, मेरे मम्मी मेरे एक्सपायर हो गए सीगे जी पिछले साल, तो मैं कल्ला ही हाँ, तो हूँ मैनू ए टेंशन मैं किद्दा चलाऊंगा। हूँ आखिरी गल यही रहेगी कि जेकर तुसी किते होर भी जाते हो काम करने लिए या नहीं भी जाते, सब तो पहला तो तुहाडी इनकम किन्नी सीगी, सैलरी किन्नी सीगी, किन्नी मिल रही सीगी इस टाइम तक? पूरी मिल रही सी, अद्धी मिल रही सीगी, तो हूँ आखिरी तौर पर मंग की सी? इन्होंने मैनू जी जिदा 15,000 रुपया मैनू सैलरी देंदे सीगे, जदों का लॉकडाउन चलिया पिछले 2 महीनों तो इन्होंने मेरा हिसाब 3,000 रुपये महीना करता सगा, कहिंदे तुहानू वेले बह के 2,000-3,000 रुपया महीना देवांगे, 2 महीने तुहाडा 6,000 होया, तो हुण उह कहिंदे आपां बिल्कुल भी नहीं दे सकते, यानी कि 6,000 भी नहीं दे सकते हो। सो तुसीं देखिया कि किस तरीके दे नाल इस वेले रैनक बाज़ार दे विच जिहड़ी आर्थिक मंदी है उसने असर करना शुरू करता है, लॉकडाउन ने असर दिखाना शुरू करता है, कि दुकानदारा ने अपने वर्कर्स नू कढ़ना शुरू करता है 3 महीनों लिए जदों तक उन्हां कोल दोबारा उन्ना ही सरप्लस नहीं आ जाएगा, प्रॉफिट नहीं आ जाएगा जिन्ना वो दुकान चलाने लिए चाहते हैं। दूसरे पासे जेकर मैं तुहानू नज़ारा विखावां इस वेले रैनक बाज़ार के टिक्कियां वाले चौंक का, तो उत्थे ये सारे वो वर्कर्स ने जिहड़े अलग अलग दुकानों नू बिलोंग करते हैं, अलग अलग दुकानों के काम करते हैं, इन्हां सारिआं नू अंदरों अंदरी इस वेले यही डर है कि ये लोग जिहड़े वर्कर्स ने जिहड़े उन्होंने मालक ने उन्होंने दुकानों तो कढ़ ना देन, जे कढ़ दिता तो उन्हों का खर्चा चक्कन लिए कोई भी दुकानदार रेडी नहीं है, कोई भी दुकानदार मन नहीं रहा, ना ही किसी तरह की आर्थिक तो ना ही किसी तरह की राशन के तौर पर मदद करन नू रेडी है। कैमरामैन जतिन राजपूत दे नाल मनराजदीप चट्ठा जलंधर तो। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-time गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374-9647, 84374-9648।